हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे हैं एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 300। सेक्शन 300 की 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं, जिनमें बताया है कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन वन के अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर ऑफेंडर, जब उसने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से। जिस पर्सन ने वह ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दी है, अगर ऑफेंडर उस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में उस पर्सन की डेथ कॉज कर देता है या मिस्टेक या एक्सीडेंट की वजह से किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, तो वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ए बी को बोलता है कि वह उसके चाइल्ड का मर्डर कर देगा और उसे प्रोवोक कर देता है। जिस ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से बी अपना सेल्फ कंट्रोल खोकर ए का मर्डर कर देता है, यहाँ ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी किया जाएगा, ना कि मर्डर के लिए। एक्सेप्शन वन के अकॉर्डिंग वह प्रोवोकेशन सडन होनी चाहिए। अगर प्रोवोकेशन सडन नहीं है तो वह उस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता। एक्सेप्शन वन की भी 3 एक्सेप्शंस दी गई हैं। वह हैं, फर्स्ट है, वह प्रोवोकेशन ऑफेंडर ने जानबूझकर किसी पर्सन के मर्डर या उसे हार्म पहुंचाने के एक्सक्यूज बताने के लिए ना की हो। मीन्स वह प्रोवोकेशन एक्चुअल होनी चाहिए, ना कि फैब्रिकेटेड या झूठी। सेकंड एक्सेप्शन है, वह प्रोवोकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लॉ के ओबिडेंस में ना हो। मीन्स प्रोवोकेशन लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो वह उसके डिसओबिडेंस में भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए एक पुलिस ऑफिसर बी अक्यूज्ड को अरेस्ट करने आता है। ए अपनी लॉफुल ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है पुलिस ऑफिसर की। बी यह बोलकर ए की डेथ नहीं कर सकता कि वह सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में था। थर्ड है, प्रोवोकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्राइवेट डिफेंस के राइट को लॉफुल एक्सरसाइज करने में यूज़ की गई हो। फॉर एग्जांपल, ए बी की नोज पुल करता है। बी अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए ए को रोकता है, जिसकी वजह से ए सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में बी की डेथ कर देता है। यहाँ ए बी के मर्डर के लिए गिल्टी होगा, क्योंकि बी सिर्फ अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सप्लेनेशन, प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन है या नहीं, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ना कि क्वेश्चन ऑफ लॉ। यह पीटी में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन टू के अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर ऑफेंडर गुड फेथ में अपना प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए लॉ में जो उसे पावर दी गई है उससे एक्सीड कर जाता है और डेथ कॉज कर देता है बिना प्रीमेडिएशन, मीन्स बिना सोचे समझे या बिना प्री प्लानिंग के। वह अपने
प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर चुका है और बिना किसी इंटेंशन के कि वह अपने डिफेंस से ज़्यादा का हम पहुँचा रहा है। यहाँ विदाउट प्रीमेडिटेशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन के बीच एंड वर्ड यूज़ हुआ है, ना कि और वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को चाबुक से मारने की कोशिश करता है, पर वह इस तरह नहीं मारता कि उसे ग्रीवियस हर्ट पहुँचे। बी अपने गन निकालता है, पर ए फिर भी रुकता नहीं। बी गुड फेथ में कि अब उसके पास ए से बचने का कोई तरीका नहीं बचा, ए को शूट कर देता है। यहाँ भी सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही गिल्टी होगा, ना कि मर्डर के लिए, क्योंकि उसने वह मर्डर गुड फेथ में अपनी पावर एक्सीड कर गया है। वह नहीं जानता था कि उसने अपनी पावर एक्सीड कर ली है और ना ही उसकी इंटेंशन मेला फाइट थी। उसने बस अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को ही एक्सरसाइज किया है। एक्सेप्शन 3, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर ऑफेंडर एज अ पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की हेल्प करते हुए पब्लिक जस्टिस के लिए लॉ में जो उसे पावर दी गई है उसे एक्सीड करते हुए गुड फेथ में कि वह लॉफुल काम कर रहा है और वह काम उसकी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी को एक्सरसाइज करने के लिए भी ज़रूरी हो, बिना गलत इंटेंशन के डेथ कोज कर देता है, तो वह कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी होगा, ना कि मर्डर के लिए। एक्सेप्शन 4, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वह सडन लड़ाई के दौरान बिना प्रीमेडिएशन मीन्स बिना सोचे समझे सडन फाइट में हीट ऑफ पैशन में बिना उस लड़ाई का फ़ायदा उठाए कमिट किया गया है तो। एक्सप्लेनेशन, यहाँ ये इमटीरियल होगा कि किस पार्टी ने फर्स्ट असोल्ट कमिट किया है या किसने प्रोवोक किया था फर्स्ट, बस सडन फाइट हीट ऑफ पैशन ये सब होने जरूरी हैं। एक्सेप्शन फाइव के अकॉर्डिंग कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वह पर्सन जिसकी डेथ कॉज की गई है वह 18 साल से ज़्यादा का है और उसी ने अपनी कंसेंट दी थी और वह डेथ से सफ़र करना चाहता था या डेथ का रिस्क उठाना चाहता था। यहाँ पर्सन की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए जो पर्सन कंसेंट दे रहा है, वरना इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस और केस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।